ताज नगरी आगरा में बंदरों का आतंक बरकरार। जिला मुख्यालय पर कवरेज करने गए पत्रकार को काटा बंदर ने। पूरे शहर में बंदरों के आतंक से लोगों में डर का माहौल। पत्रकार ने जिला अस्पताल में कराया उपचार। देखिए, आगरा बंदरों के आतंकों से जूझ रहा है और आगरा के शहरवासी बंदरों के आतंक से जूझ रहे हैं प्रतिदिन। इसमें कई ऐसी जगह आई बात हुई है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि हम बंदरों के लिए एक अलग से एजेंसी को हायर कर रहे हैं और उसमें इतना खर्चा आ रहा है, मगर आज तक कोई एजेंसी को हायर नहीं किया गया है। ताजमहल पर भी पर्यटकों के ऊपर बंदरों ने इतना हमला किया है कि पर्यटक दहशत में वहाँ पर आते हैं। ताजमहल के अंदर जो एक हिस्टोरिकल इमारत है, ताजमहल जैसी जगह पे, वहाँ पे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। जबकि बात की जाए जिला मुख्यालय, जिला अधिकारी का कार्यालय, वहाँ पे भी बंदरों का इतना आतंक है कि वहाँ लोग बाग जाने में दहशत में रहते हैं, डरते हैं, कभी भी बंदर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। बात करी जाए नगर निगम की, तो नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई की बात करते हुए अपना पल्ला सीधे साफ कर लेते हैं। बंदरों के आतंक से अभी तक कोई भी शहरवासियों को और आगरा को निजात नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, दुर्भाग्यपूर्ण है पूरी घटना। जिस तरीके से कलेक्ट्रेट में पत्रकार हैं सतप्रकाश जी, उनको बंदर ने काटा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं लोगों में जो भय है वो बढ़ रहा है बंदरों को लेकर। आगरा कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, ताजमहल और भी कई सरकारी दफ्तर ऐसे जहाँ पर ऐसे ही लगातार बंदरों पर अंकुश की बात कर रहे हैं, नसबंदी कराने की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई तो लगातार करने की बात अधिकारी कहते हैं। नसबंदी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, श्वान जो हैं आवारा उनको लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन असल में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जब तक कोई एक ठोस प्लान बनाकर और बंदरों के लिए कोई एक रिहेबिलेशन सेंटर स्थापित नहीं किया जाएगा आवारा पशुओं के लिए, तब तक बड़ा मुश्किल लगता है। और ये भी कहूँगा मैं तो कि जिला प्रशासन को कोई ठोस ऐसे इंतज़ाम ज़रूर फौरी तौर पे करने चाहिए कि जिससे जो लोग हैं जिला अस्पताल में तीमारदार आते हैं, कलेक्ट्रेट में फरियादी जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, अधिकारी रहते हैं, तो उन पर जो हमला होने वाली स्थिति है उससे कहीं ना कहीं एक रोकथाम बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा की तरह जिस तरीके से खबरों के लिए पत्रकार निकलता है, उसी क्रम में आज जिला मुख्यालय पर पहुँचा और खबर करके जैसे ही मैं गाड़ी पर बैठा उसी दौरान पीछे से एक बंदर आया और उसने मुझ पर हमला बोल दिया। हालांकि देखिए, मैं कोट पहना था, इसकी वजह से ज़्यादा घाव नहीं हुआ, लेकिन बंदर ने जिस तरीके से काटा है, आए दिन इसी तरीके से घटनाएं होती है। कोई भी आम आदमी अगर जिला मुख्यालय पहुंचता है तो इस तरीके के पूर्व में भी कई मामले सामने आए, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने दावे वादे बहुत किए हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं हुआ है जिससे वो अमल में लाया जा सके। लखनऊ के निषादगंज में हुआ था भीषण सड़क हादसा। हादसे में दो लोग हुए थे घायल। इलाज के दौरान दोनों घायलों युवक की हुई मौत। परिजनों ने शव रख कर निषादगंज चौकी के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। निषादगंज की ओर जाने वाला रास्ता किया बंद। मौके पर की गई भारी पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, एसटीएफ को मिली सफलता। जंगली सुअर के दांत तस्करी का भंडाफोड़। दो तस्करों को किया गया गिरफ्तार। सुकृत बाजार रॉबर्टगंज जनपद सोनभद्र से किया गया अभियुक्तों को गिरफ्तार। एहार टोल प्लाजा पर लग्जरी कार सवार ने तोड़ा बैरियर। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, नशे में कार सवार ने टोल कर्मियों पर उड़ाए नोट। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की कही बात। कोर्टरूम के बाहर आरोपित की हार्ट अटैक से मौत। उन्नाव से खबर आ रही है, आर्म्स एक्ट मुकदमे में आरोपित बुजुर्ग पहुंचा था उन्नाव जिला न्यायालय। जिला अस्पताल में किया डॉक्टरों ने मृत घोषित।
मृतक अजगेन कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर का रहने वाला था। लखनऊ से बड़ी खबर, डीसीपी पश्चिम की सर्विलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने किया अपहर्ता को सकुशल बरामद, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। थाना पारा के अंतर्गत सलमान नाम का एक व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर भगा ले गया था। इस संबंध में थाना पारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। नाबालिग बच्ची की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस टीम सहित 5 टीमें गठित किया गया था। इसमें सभी अधिकारी परीक्षण कर रहे थे। हमारी टीमें हरियाणा, दिल्ली और अन्य अगल बगल के राज्यों में प्रयासरत थे और प्रयास के बीच में सफलता मिली और हमारी टीमें बच्ची को सकुशल बरामद करने में और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चाणक्य